एक होते हैं जो घरों में चाय पीते हैं, एक होते हैं जो पहाड़ों पर भी चाय पीते हैं, और एक होते हैं जो पहाड़ों के ऊपर चल के जाके चाय पीते हैं बना के, फिर चौथे होते हैं हम जैसे जो पहाड़ों के ऊपर चल के जाते हैं और फिर उसको बनाते हैं और फिर चाय पीते हैं। हम चौथे वालों में से। ये जो रास्ता है संकट भरा, नीचे यार कांटे ही कांटे लग गए मेरे, हद है। कहाँ ले आया रवि यार? ये हमारे चाय वाले चाय बनाते हुए। पहाड़ों की लाइफ कितनी टफ होती है तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। आज हम लोग चाय बनाने जा रहे हैं, छुट्टी का दिन है तो बस निकले हम लोग। सोचा कि सामने जहाँ चाय बनानी है, बहुत ही फ्लैट रास्ता है, थोड़ी सी चढ़ाई पर है बीच बीच में, बट अच्छा रास्ता है, वहाँ एक प्लेन सी जगह मिलेगी आगे जाकर, तो उधर जा रहे हैं। बस चाय वाय बनाई जाएगी और देखते हैं कैसा माहौल रहता है। पर यार पहाड़ों की लाइफ ना ऐसी होती है, ये देखो जो ज़िंदगी आप प्लेन इलाकों में नहीं जी सकते ना, वो आपको पहाड़ों में मिलती है। भौतिक सुख सुविधाएं थोड़ी सी कम है, पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप सेहतमंद रहते हो, आपको बीमारियां वगैरह कम ही लगती हैं। इधर शुद्ध है यार सब कुछ, प्राकृतिक है। कुछ लोग मेरे आगे चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, उनको देख रहा हूँ मैं। बोल रहे थे 5-7 मिनट में दिख जाएंगे, दिख तो नहीं रहे हैं साले। बस यार हम लोग इस रास्ते से मुड़ गए हैं, ये जो सीधा रास्ता जा रहा था, अब हमें जाना है सीधा इस ऊपर पहाड़ी पर। ये जो सीधी ऊपर पहाड़ी दिख रही है, ये 3 सदस्य तो ऊपर जा भी चुके हैं, मैं 4th सदस्य हूँ, और बस जाने की फिराक में जल्दी से ऊपर चलते हैं और बनाते हैं प्रोग्राम। तो भाई लोगों आधे रास्ते में हम लोग पहुँच चुके हैं, मैं, जायसवाल, रवि और चांदनी। कुछ लोगों की सांसें फूल गई हैं और कुछ लोग अभी भी तंदुरुस्त अवस्था में हैं। बाकी रवि को भी खून मुँह लग चुका है, तो अभी हर हफ्ते ट्रैक की मांग करता रहता है, तो इसलिए इस हफ्ते भी हम लोग एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए। बहुत सारी क्या लग रहा है यार, ये तो सांप के पेट नहीं होता वैसा लग रहा है। ये यहाँ देखो, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे, ये सांप के पेट नहीं होता, ऐसे होता डिजाइन। सांप के ऊपर वाला ना, उसकी क्या बोलते हैं वो, खाल? खाल नहीं यार उसको, वो बोलते हैं ना, वो अपनी उतारता है। हाँ, केचुल। ऐसा कुछ केचुल बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं उसको। बोलते तो हैं। तो रवि तुमको इसमें गणेश जी दिख रहे हैं, है ना? हाँ, ये देखो ये वाली, ये जो मूर्ति है, यहाँ इनकी सूंड है, ये एक आँखें हैं इनकी दो, और ये इनकी सूंड है। अच्छा, ये हमारे भगवानों के सबसे बड़े भक्त, इनको कुछ भी दिखा दो इसमें भगवान दिखाई देने लगते हैं। अभी ये पेड़ है इसमें इनको भगवान दिखाई दे रहे हैं। हमारे इस पत्ते में क्या दिखाई दे रहा है रवि तुमको? कण कण में वासुदेव होते हैं, पता है? पत्ते में तो अभी कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है, अगर दिखेगा तो जरूर बताऊंगा आपको। आपको नहीं दिखाई दे रहा अभी? नहीं यार, अगर इनको नहीं दिखाई दे रहा मतलब फिर नहीं है इसमें, या सो रहे होंगे अभी तो, या कहीं और भ्रमण पे गए हमने। चलो अभी हम थोड़ी प्रोग्रेस के अंदर आते हैं और चढ़ना स्टार्ट करते हैं, वरना भगवान हमें दिख ही जाएंगे। चलो रवि, चलो। आक्रमण, नहीं यार थोड़ा पास आओ ना यार, ये क्या मतलब है बताए, ऐसे थोड़े आक्रमण होगा। और ये सारे चाय के लिए जगह बना चाय बनाने के लिए जगह ढूंढते हुए, और ये सामने केदारकंठा पीक विशेषज्ञ विश्लेषण करते हुए कि चूल्हा कहाँ बनाया जाए। क्या लगता है यहाँ पे चूल्हा बन सकता है? मुझे लग रहा है। क्यों रवि, बनेगा? बनेगा यार, बन जाएगा, बनेगा, यहीं पे बन जाएगा यार। इससे अच्छा शकरकंदी ले आते, यहीं भून लेते। तो गाइस हमारा चूल्हा तैयार हो चुका है, जरा चूल्हा दिखाया जाए। हम लोगों ने इस चूल्हे को बनाने के लिए पहले इतना बड़ा पेड़ उठाकर हम लोग लेके आए,
फिर ये दूसरा पेड़ उठा के लेके, और इसके बीच में छोटा सा जो जगह दिख रही है इसके अंदर, ओ माय गॉड, अरे ईंधन आ चुका है। कहाँ रखा है भाई, कहाँ चूल्हा? इंदर, वहाँ ईंधन वापिस। इंदर यार ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं चला देंगे? हिमांशु से आग बावर्ची बनते हुए ये गोबर के लीथड़े हैं, गोबर के लीथड़े भी उठा वो उठा के लाया था ना पिछली बार, कौन दिव्यम दिव्यम नहीं था, कौन था वो, जयेंद्र था जयेंद्र, वो कह रहा गोबर लेके आओ, गोबर से चलेगा। जरा दिखाया जाए ये कितना बढ़िया सेटअप बनाया हम लोगों ने, इसके हिलने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए कहते हैं जिंदगी में इंजीनियर होना जरूरी है, चाहे सीए हो ना हो। तीन इंजीनियर हैं अभी, और अगर एक्सपर्टी चाहिए तो इंजीनियरिंग के बाद एमबीए भी कर लो। हाँ भाई साहब, फाइनेंशियली कैसे मैनेज करना है ट्रिप्स को, देखो सीए इंजीनियर चाहे मैनेज करना नहीं जाने पर जुगाड़ करना जरूर जानते हैं, वो जुगाड़ कर लेंगे। जब इंजीनियर में स्टार्टअप बनाएगा ना तो उसके लिए सीए रख लेगा, रवि सारा मीटर उठा के रखो, नहीं वो तो मुझे दे दो ये यहाँ पे लकड़ी, यार इनफ है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। अभी मत डालना फटाफट, वो लकड़ियां भी लगा दो अब इस पे। हां हां लगा दी, लगा दी। अरे उखाड़नी क्यों है हिमांशु, ये रहे ना, ये रहे ना, ये देखो उखाड़ना क्यों है? नीचे से डालो, नीचे से ना, नीचे से। मेन आग पता है हिमांशु ने क्या पकड़ी? गोबर ने, वही। हां भाई गोबर ने, गोबर जल्दी पकड़ता है, छोटा ही लेके आए, बोले छोटा वाला लेके चलो, कोई ना पहले सेक लेते हैं फिर उसे चाय बना लेंगे। अबे भगोना थोड़ा छोटा नहीं है वही तो बोल रहे हैं। बस बस अब पता लगा पेड़ ही जल के टूट गया, मुझे लग रहा ना कि पेड़ लग गया ना, पेड़ की गर्मी से ही हो जाएगा हमारा साथ का यार, तो गाइस आग लग चुकी है, प्रबंध हो चुका है, रवि भाई साहब बताएंगे। रवि क्या हुआ यार तुम्हारे हाथों में कांटे लग गए हैं सुनने में? कांटे लग गया यार भाई, ऐसे कैसे लग गया यार? बटोर से बटोर से यार, इतने शिद्दत भरे वर्कर हैं। शिद्दत भरे नहीं, बहुत ही कर्मठ बहुत ही कर्मठ और कहे जाते थे, पर इतने नाजुक निकलेंगे हमें उम्मीद नहीं थी। हमें इनसे अफ्रीका के लोगों की तरह उम्मीद थी कि कुछ भी कर देंगे युगांडा की तरह, पर यार इतनी इतनी गजब की जगह है ना ये, मात्र 20 मिनट की दूरी पर ही हम लोग चल के आए, और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, बस इतना, मतलब जस्ट 20 मिनट की दूरी पर चल के आए हम लोग, व्यू देखिए केदारकंटा भाई, केदारकंटा पीक दिख रही है यहाँ से, वो देखो क्या पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही, मैं उठा दूंगा, बताओ क्या उठा दो। हाँ मतलब मैं खिसका के इधर कर दूंगा। रवि भाई क्या करना चाह रहे हो? भाई ये कह रहे हैं कि ये इसको मैं खिसका नहीं सकता। क्या इसको सकते हैं? हाँ पहले दिखा देते हैं पेड़। हाँ ओहो हो इतनी दूर जहाँ तक आपको दिख रहा है उतना लंबा है पेड़, और रवि भाई साहब बोल रहे हैं इसको खिसका देंगे। ठीक है चले फिर। हाँ बिल्कुल चलो यार, गुड बहुत बढ़िया। ओह माय गॉड, माय गॉड रवि तेरी शादी के लिए पता है ये डाल देना यार तू ना, तेरे में दम तो है साला, शादी का इससे क्या लेना देना भाई, दम का बड़ा लेना देना है शादी से बहुत बढ़िया रवि यार, बहुत बढ़िया यार, ये टैलेंट तू तेरे को बताना चाहिए यार, लड़की वाले पूछते होंगे ना क्या कर लेते हो आप
मैं एक बहुत बड़े पत्थर जो 90 डिग्री के एंगल पे होता है उस पर चढ़ जाता हूँ, एक बहुत बड़ा पेड़ जो मेरी लंबाई रवि भाई की ताकत का अंदाजा देखिए आप, रवि भाई ने पेड़ तोड़ ही दिया है। ये देखो रवि भाई लगी हुई आग को बुझा देते हैं। और ये तो मैं तो ऐसे उंगली से, देखो एक उंगली से कर सकता हूँ, मेरे अंदर कृष्ण की क्षमता है। जो बहुत ज्यादा कर पाते हैं, इन दोनों की शादी नहीं हो पाई आज तक तो इसलिए कृपया इस बात का ध्यान रखें अपनी ताकत। ये भी सोच रहे हैं ना कि हर जगह अपनी बीवी को लेके जाना पड़ता है, फिर क्यों ही ब्याह करना। ये भी सही बात है, जबरदस्ती लाया गया है मुझे। रवि भाटा, ये ना भाटा, ये यही जला हुआ है, देख लो अभी तक देखा हूं। ये देख रहे हो मैंने, ये वाली सूखी लकड़ी है, देखो यार ये जलेगी नहीं यार, गीली थी वो। ये देखो अभी तक जल रहा है वो, है ना, जलेगा भाई, ऐसे कैसे नहीं जलेगा। भाटा ये रहा भाटा, इसको जलाओ। नहीं वैसे थोड़े से ना लंबे लंबे से चाहिए। अरे पूरा ऐसे ही ले आओ रवि भैया, चार लगा देंगे। आओ ओ माय गॉड, रवि तो हमारा बाहुबली निकला। देख रहे हो रवि, चाहे जिंदगी में आपने सीए किया हो पर आपको इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ रहा है चूल्हा बनाने के लिए। एक और ऐसा ले तो चूल्हा ऑन द वे। इस देश की सभी अविवाहित लड़कियों से मेरा निवेदन है, देखें इस लड़के के परिश्रम को, देखें कैसे वो पत्थर उठा लेता है, कैसे वो लकड़ी तोड़ देता है, कैसे वो बड़े बड़े पेड़ उठा लेता है। कुछ कीजिए, अच्छा खासा कमाता भी है, घर बार चला लेगा। अच्छा, और इसको चूल्हा बनाना भी आता है। अगर आपको खाना वाना बनाने में की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, चूल्हा भी बना लेंगे, रोटी वोटी बना देंगे, और मतलब आग बुझाना तो ये जानते ही है। तो देखिए बस इसे देखिए मत, इसके कामों को देखिए। ये भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं। तो कृपया सभी अविवाहित युवतियों से मेरा निवेदन है, रवि भाई साहब के लिए एक, रवि तेरे लिए यार वो चलाया जाए ना, क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं यार वो बोलते हैं ना यार स्वयंवर, हाँ रवि की स्वयं वधु। रवि की स्वयं वधु, हाँ अविवाहित नव युवतियों से निवेदन है कि अपने स्वयं वधु के लिए अपना जो भी आवेदन होता है उसकी आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ आज से ही। और मेरे चैनल पर कमेंट करके लिख सकती हैं, मेरे चैनल पर कमेंट करके लिख सकती हैं कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है। भाई साहब की क्वालिफिकेशन बता देता हूं मैं, भाई साहब सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। रवि यार तेरी चैनल में डाल दी जाएगी, तेरी रिक्वायरमेंट लिस्ट बता दे यार क्या क्या है। रिक्वायरमेंट लिस्ट एक बना के और चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, पक्की बात। चलो भाई आपको मेरे चैनल बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी रवि की रिक्वायरमेंट लिस्ट। और अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए अनुकूल व्यक्ति हैं, वैसे तो व्यक्ति नहीं है देवता हैं, पर अगर आपको व्यक्ति भी लग जाए तो आप इससे शादी करने के बारे में सोच सकते हैं। जो भी है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता वो इन्हीं के लिए बनाई गई थी। देखो गाइस, अदरक वाली चाय पीने के लिए हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, इस पहाड़ की ऊंचाई तक हम लोग सोच भी नहीं सकते। बीटेक चाय वाली सुना होगा, बीटेक चाय वाला नहीं, नहीं बीटेक सीए एचआर वेले सब चाय वाले। वेला को मैं नहीं, इसको बोला जयसवाल को, एचआर वाले वेले ही होते, काम नहीं होता। नहीं तो मैं गाइस इंग्रेडिएंट बता देता हूँ इस चाय में क्या क्या है। सबसे पहले महत्वपूर्ण दूध कट जाता है इस चाय में, दूध डाला गया है, साथ ही पानी डाला गया थोड़ा सा, उसके साथ मुन्नार की स्पेशल चाय, मुन्नार जो केरला का एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर चाय
ही चाय बनती है। वहाँ की चाय, वहाँ की इलायची और वहाँ की लौंग और जगह केदारकंटा के सामने। पेड़ों को चीरते हुए केदारकंटा दिखाया जाए। एक होते हैं जो घरों में चाय पीते हैं, एक होते हैं जो पहाड़ों पर भी चाय पीते हैं, और एक होते हैं जो पहाड़ों के ऊपर चल के जाके चाय पीते हैं बना के, फिर चौथे होते हैं हम जैसे जो पहाड़ों के ऊपर चल के जाते हैं और फिर उसको बनाते हैं और फिर चाय पीते हैं। हम उन चौथे वालों में से हैं। और कुछ कुछ होते हैं जिनकी चाय फट भी जाती है, पर हमारी नहीं फटी। चीनी तो लाए नहीं, सही नहीं लाए, नहीं सीरियसली नहीं लाए। मैं तो वैसे भी चीनी नहीं खाता, पीता चल जाएगा मेरा। चीनी ध्यान से देखिए इस चेहरे को, इस चेहरे को क्या, इस चेहरे को भगा के लाए आके। अब कोई एक इंसान छन्नी ले गई थी, कोई एक लेकिन हाथ ना चले, कोई एक इंसान नीचे जाए और चाय पत्ती ले, चीनी लेके आए भाई, पी जाएगी शुगर फ्री चाय। मुझे मुझे चाहे कितने भी पैसे दे दो, पर मैं इस चाय को आप लोगों को सर्व नहीं करूंगा। इतनी कीमती है चाय, है अनमोल, अनमोल। ये हमारे चाय वाले चाय बनाते हुए। एंड द टी इज रेडी। चीनी की कमी बहुत ज्यादा खलती हुई। केदारकंटा सामने देखते देखते है ना चाय पीने का नजारा, मजा ही अलग है। नहीं इतनी बुरी भी नहीं लग रही है, सही लग रही है। बिस्किट के साथ, बिस्किट के साथ सिर्फ चीनी होती तो कड़क होता है ये तो, ये तो मन को समझाने वाली बात है। बिस्किट में कोई वो परहेज नहीं है। चलो यार सामान समेटा जाए, अब बहुत वक्त हो चुका है और समेट के अब चलते हैं। चाय पानी हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने नीचे घरौंदे में। घरौंदा समझते हैं आप लोग? नहीं, घरौंदा नहीं समझता रवि? घरौंदा नहीं भाई, घरौंदा होता है यार छोटा सा बना हुआ घर जैसे, नहीं होता जैसे छोटे बच्चे नहीं बताते बनाते चार ईंट लगा के उसके बीच में ऐसे बचपन में नहीं करते थे वो, उसको बोलते हैं घरौंदा, घरौंदा टाइप है ना, तो बस उसी में जा रहे हैं क्योंकि वो चार इंटो टाइप ही है वो। तो यार ये इतनी हसीन वादियों से होके जैसे ये वाला व्यू आप देख रहे होंगे, यहीं पर हमने जैसे ये चाय बनाई, पिकनिक हुई थी हमारी संडे की, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। सामने हमारे यहाँ पर केदारकंटा का व्यू है, वहाँ पर बीच में से आपको दिख रहा होगा, और वापस अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। पहाड़ों की ज़िंदगी यार ऐसी टफ है, आप लोगों ने देख ही ली कहाँ कहाँ के चाय बनानी पड़ती है, और वो भी हमने यार बिना चीनी की चाय पी, समझ रहे हो आप? चीनी नहीं मिल रही हमको, अब चीनी लाने के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आदिवासी, और देख यहाँ पर ये लोग, देखिए यहाँ पर अगर कोई मर जाता है तो यहाँ पर ऐसे कब्र वबर में डाल देते हैं लोगों को। ये जो रास्ता है संकट भरा, नीचे यार कांटे ही कांटे लग गए मेरे, हद है। कहाँ ले आया रवि यार? यार मेरे को एक कुत्ता खरीदना है, खरीद लिया जाए क्या? यार मेरे को लेब्रा छोटा पप्पी चाहिए। मना किया जा रहा है यहाँ पर, पीछे से एक आवाज आई, उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए अगर जरूरत पड़ी तो मैं ऑर्डर निकाल दूंगा कि कुत्ता नहीं पालना। कुत्ता पाले चाहे गलत फहमी पाले, हमारी मर्जी है। तुम्हें यार कुत्ता पालना अच्छा लगता है? नहीं लगता, हमारे घर में कुत्ता है, कुत्ता है। क्या तुम कुत्ता पालना पसंद करोगे विवाह होने के पश्चात? और अगर आपकी पत्नी चाहेंगी कि उस कुत्ता नहीं आएगा घर में तो क्या किया जाएगा? संकट से भरा हुआ ये रास्ता और ये हमारी टोली। यार नीचे तो लग रहा है 10-12 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। अपन वैसे थोड़ा गलत ही रास्ते जा रहे हैं, सीधा सीधा जाते यार, यहाँ का तो रास्ता ही नहीं। यहाँ आके फंस चुके हम लोग, अब मैं लोग इन्हें जाऊंगा, देख लो सारा था ये घना लोग, अब मैं इन्हें जाऊंगा। सीधी बात भाई, हनी
रस्तो घनो बेकार है, ये तो घनो बेकार रस्तो। अब जायसवाल नीचे जाएगा और उसके ऊपर ये पाइन एप्पल्स फेंके जाएंगे। है रवि अपन ऊपर रहेंगे अब, अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। यार ये सही में वैसा नहीं है पाइनएप्पल टाइप के, हैं पाइनएप्पल टाइप के ही, पर हम नीचे चल तो यहाँ से फेंक के देख नदी तक जाता है क्या। ले इतना ही जोर है, ये वधू के लिए अभी एलिजिबल नहीं हुआ है। और ये इनके जोर देखते हैं, ओ माय गॉड यही तो नहीं गिर गया। अच्छा ये देखिए, चलो रास्ता ये क्या है, नदी तक पहुँचा पाएंगे? ओ माय गॉड काफी दूर। रवि बताना यार किसका दूर ज्यादा है। ठीक है मेरा रास्ता नहीं है ये, है कि नहीं ये मुश्किल, ये रास्ता यार। चल आए कहाँ से तुम लोग, यही से आए हैं? ज्यादा ज्यादा यहाँ से नहीं जाएंगे, और क्या पासवर्ड देना पड़ जाएगा, पासवर्ड देना पड़ जाएगा। नहीं नहीं इसलिए पासवर्ड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रवि यार अपने बैंक डिटेल घर वालों को भेज दे, वो सब भेज रखी मैंने, भेज दी इसने पहले, तूने भेज दी थी। ऑल क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, घर वालों को सब मालूम है रवि की जानकारी, बैंक वैंक की। अबे आ जा यहीं से तो जाना है। हाँ हिमांशु अपनी बीबी से पीछे छुटकारा चाहता है, छोड़ के भागे जा रहा है। और यहाँ पे मवेशियाँ भी मिल रही हैं हमको रास्ते में, एक बैल को भी ला रहे हैं हम साथ में, रवि नामक, इसको ऐसे भगाते हैं। ही हो हो ही हो 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 ही 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 गए तो वैसे काफी ऊपर ही थे यार अपन। पीछे पीछे जल्दी जल्दी वैसे हमारे प्लान में एक योगेश नामक इंसान भी था, जिसको केदारकंटक से पहले कुछ एक्सरसाइजेस करनी थी और पहाड़ चढ़ना था, और हमारा तो कुछ प्लान ही नहीं था। तो पता लग रहा है कि जो मॉक ट्रैकिंग करना चाहते थे वो तो आए नहीं।